नमस्कार और साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत को विश्व गुरु बनाना चाहते हैं और इस दिशा में प्रयास भी कर रहे हैं, लेकिन पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने प्रधानमंत्री के इस अभियान का मजाक बनाते हुए कहा है कि विश्व गुरु छोड़िए, पहले पड़ोसी देशों के गुरु तो बनकर दिखाइए। श्रीनगर के शेरे कश्मीर पार्क में अपनी पार्टी के 23वें स्थापना दिवस के मौके पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए महबूबा मुफ्ती ने एक बार फिर अपना पाकिस्तान प्रेम दिखाते हुए कहा कि मैं पाकिस्तान का नाम लेती हूं तो कुछ लोगों को दिक्कत होने लगती है। आइए दिखाते हैं आपको कैसे निशाना साध रही हैं महबूबा। मैं आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कहना चाहती हूं, मैं मोदी जी से कहना चाहती हूं, आप बार बार कहते हो कि मैं इस मुल्क को विश्व गुरु बनाऊंगा, यानी दुनिया गुरु बनाऊंगा। क्या सुना? वो बनाऊं दुनिया गुरु। अरे दुनिया के गुरु तो बाद में बने, पहले अपने घर को संभालिए। विश्व गुरु बनेगा, हिंदुस्तान जरूर बनेगा, क्योंकि इसमें वो ताकत है, इसमें वो जमहूरियत है, इसमें वो सेकुलरिज्म है जिसको आज आप तार तार कर रहे हो। मगर अगर आपको विश्व गुरु बनना है, उसका रास्ता जम्मू कश्मीर से गुजरता है। जब तक आप मसले कश्मीर हल नहीं करेंगे, आपके टांगों में भेड़िया रहेंगी जम्मू कश्मीर की। आपका विश्व गुरु बनने का रास्ता G7 से नहीं, G20 से नहीं, क्वाड से नहीं, बल्कि सार्क से मिले, जहां पर आपके अपने हमसाए। मैं पाकिस्तान का नाम लूंगी तो गुस्सा आएगा, गुस्सा आता है ना। श्रीलंका, भूटान, नेपाल और जितनी भी कंट्रीज हैं जो साथ में हैं, आपने उनके साथ क्या किया? जब आप अपने हमसायों के गुरु नहीं बनेंगे तो विश्व गुरु कैसे बनेंगे? और सार्क को आगे चलाने में सबसे बड़ी रुकावट क्या है? पाकिस्तान और हिंदुस्तान के ताल्लुकात। अब मैंने पाकिस्तान का नाम लिया, शाम को टेलीविजन पे बहस। हे जी, खारजी, ये जी फॉरेन अफेयर में दखल देती है, खारजी मामलात में दखल देती, क्यों ना दूं मैं? पाकिस्तान का बॉर्डर सिर्फ जम्मू कश्मीर के साथ नहीं मिलता, पंजाब के साथ मिलता है, राजस्थान के साथ मिलता है, गुजरात के साथ मिलता है, मगर गोलाबारी सिर्फ जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पे होती है, जंग सिर्फ जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पे होती है। 10 लाख फौज सिर्फ जम्मू कश्मीर में है, हमारे लोगों का जीना हराम सिर्फ जम्मू कश्मीर में हुआ है। इसलिए जब तक आप पाकिस्तान के साथ अपने हालात नहीं सुधारेंगे, तो जम्मू कश्मीर में ये जो जंग का मैदान बना है, अखाड़ा बना है, ये कैसे खत्म होगा? ये कैसे खत्म होगा जब तक आप पाकिस्तान के साथ बात नहीं करेंगे? यात्रा हमारे सर आंखों पे सैकड़ों सालों से यात्रा चलती है, मगर इस साल इन्होंने, हम बचपन में यात्रा का इंतजार करते थे, मगर इस बार इन्होंने यात्रा को भी बवाली जान बनाया है। अगर किसी की डिलीवरी कोई बीमार, वो अस्पताल पहुंचते पहुंचते मौत के मुंह में चला जाता है। ऐसी इन्होंने स्ट्रिक्टनेस, इतनी नाकाबंदी, ऐसे लोगों को रोका जाता है। क्यों? क्योंकि बाहर दिखाना है कि हमने देखो जी इतने लोगों की यात्रा करवाई। अरे गौमुख ग्लेशियर को देखो, वहां आप 500 लोगों से ज्यादा दिन को जाने नहीं देते, और यहां आपने कितने यात्रियों की जान चली गई जब आपने टेंट उस जगह लगाया जहां लगाने नहीं चाहिए थे। तो इसलिए जब मैं पाकिस्तान की बात करती हूं और करती रहूंगी, तब तक जब तक 10 लाख फौज हमारे सर पे बैठी है, तब तक जब तक जम्मू कश्मीर हमारे मुल्क और पाकिस्तान के बीच में जंग का अखाड़ा बना हुआ है, मैं बहुत नरमी से आपसे कहना चाहती हूं, अभी आप विश्व गुरु की बात करते हैं, मुझे ये बताइए, श्रीलंका में इतना बड़ा तूफान आया है इस वक्त, अगर आप वाकई विश्व गुरु का रोल करना चाहते हैं तो आपने साहब की मीटिंग कॉल करनी चाहिए थी, ताकि उनको लगता कि हिंदुस्तान हमारा सरदार है, पाकिस्तान में क्राइसिस है। माना कि वो आप उसको दुश्मन मानते हो, मगर उसको अगर दुश्मन के साथ भी आप अच्छा बर्ताव करेंगे, वो भी दोस्त बन जाता है।
अगर आप साहब के गुरु नहीं बन सकते तो विश्व गुरु कैसे बनेंगे। और अगर सबसे बड़ा चैलेंज कोई आपको है या इससे पहले रहा है, जवाहरलाल नेहरू से लेके आज तक, वो जम्मू कश्मीर का मसला हल करना है। इसके बगैर और कोई नहीं है। आप कितने मस्जिदें तोड़ के मंदिर बनाएंगे, कितने मुसलमानों के घर तोड़ेंगे, आप कितनी सड़कों के नाम बदलेंगे, कितने शहरों के नाम बदलेंगे, आपको उसके लिए याद किया नहीं जाएगा ज्यादा देर, क्योंकि ये चीजें याद करने वाली नहीं, ये भूलने वाली है। ये पुराने वक्त में वो जो पुराने हमलावर आते थे वो मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाते थे, और आज आप मस्जिद तोड़ के मंदिर बनाते हो, तो फर्क क्या है। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है, जिस जम्मू कश्मीर के नाम से, पाकिस्तान से केसर नाम लेने से आप डरते हो, अंग्रेजी में एक कहावत है, कैच द बुल बाय द हॉर्न, बनाओ इस जम्मू कश्मीर और दूसरे जम्मू कश्मीर को सात कोऑपरेशन का मॉडल बनाओ, इसको अमन का, इसको पीस का जोन डिक्लेयर कर दो दोनों कश्मीरों को, यहाँ पूरे सात की कंट्रीज को इन्वेस्ट करने दो, उनके बैंक खुल जाए, यहाँ सात की यूनिवर्सिटी बने हैंडीक्राफ्ट की कश्मीर में, सबकी आवाजाही हो, सारे रास्ते खोलो। मुजफ्फराबाद में आपने वाघा बॉर्डर पे आपका कारोबार चलता है, फिर आप कहते हो कि आप पाकिस्तान की बात क्यों करती हो। अगर वाघा बॉर्डर पे पंजाब के साथ कारोबार चलता है, हमारा कारोबार आपने क्यों बंद किया? क्या आज तक हमने कभी सुना पंजाब बॉर्डर पे फायरिंग होती है? क्या कभी सुना गुजरात बॉर्डर पे जंग हुई हिंदुस्तान और पाकिस्तान की? राजस्थान बॉर्डर पे जंग हुई हिंदुस्तान पाकिस्तान की? नहीं, जंग जब भी होती है जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पे होती है, और जम्मू कश्मीर के अंदर भी जंग हो रही है इस वक्त, 10 लाख फौज एक तरफ से, दूसरी तरफ से नौजवान बंदूक में हाथ लेके। आखिर आपको इस मसले को हल करना पड़ेगा, इसके बगैर कोई चारा नहीं है। आप रास्ते खोल दीजिए। आपने अभी बयान दिया, पाकिस्तान ने कहा, चाइना ने कहा कि जितने भी मुल्क है वो सीपैक का हिस्सा बन सकते हैं। सीपैक क्या? सीपैक एक सड़क है जो दूसरे कश्मीर के बीच में से गुजर के सेंट्रल एशिया और साउथ एशिया जाती है। आपने कहा ऐसा मत करो, पर वो करेंगे, वो तो करेंगे, वो तो हमारे कहने से रुकेंगे नहीं। आप रुके क्या 370 जब उन्होंने कहा मत करो, आप रुके क्या? आपने तब भी तबाही मचा दी यहां पर। मगर हमारा जम्मू कश्मीर, ये जम्मू कश्मीर, वो खुशकिस्मत है कि उनकी जो स्ट्रेटेजिक पोजिशन है उसका इस्तेमाल हो रहा है, वो फिर से गेटवे बनेंगे सेंट्रल और साउथ एशिया का। आप इस जम्मू कश्मीर के रास्ते क्यों नहीं खोलते हैं, इसको क्यों नहीं बनाते हैं गेटवे ऑफ सेंट्रल एंड साउथ एशिया? जम्मू से शुरू कीजिए, वैली में पहुंच के लद्दाख, चाहे जिंगजैंग हो, चाहे यारखंड हो, चाहे करगिल अस्करदू हो, चाहे गुरेज बटनूर हो, अस्तूर हो, बांडीपोरा अस्तूर, ये तो हम आपको बता रहे हैं कि क्या करना चाहिए। आपने देखा नहीं 2019 में 370 खत्म करके आपने जम्मू कश्मीर को कहां पहुंचाया है? आज यहां तिरंगा लगाने के लिए आपको लोगों को धमकी देनी पड़ती है, और कहते हो 20 रुपए दे दो। अरे इतना महान झंडा है, झंडे की कदर सब लोग करते हैं, ये किसी मुल्क का झंडा हो उसको सब सलाम करते हैं, मगर आपने इस झंडे को भी पॉलिटिक्स बना दिया। अगर झंडा गाड़ना है तो जो चीन ने हमारी जमीन पे कब्जा किया है 1000 स्क्वायर किलोमीटर पे, वहां जाके वो कब्जे से वापस लेके वहां झंडा गाड़ो, वहां झंडा गाड़ो। ये छोटे छोटे बच्चों को, ये दुकानदारों को धमकी देते हो, अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो फिर इसके नतीजे बड़े खतरनाक होंगे। मोदी जी, आपको मैं अभी भी कहती हूँ कि आप अगर चाहे तो जम्मू कश्मीर के मसले का हल निकाल सकते हैं, हिस्ट्री में आपको इसके लिए याद किया जाएगा। कितनी मस्जिदें तोड़ी, मंदिर बनाए, उसके लिए कोई याद नहीं करेगा, उसके लिए दुत्कारते हैं लोग ऐसे काम करने के लिए, जिस तरह आप पुराने हुक्मरानों को दुत्कारते हो, बादशाहों को दुत्कारते हो, जी उन्होंने फलानी मंदिर तोड़ दिया तो मस्जिद बना दी। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है, ये जम्मू कश्मीर
कश्मीर को आप जहां चाहो झंडा लगा सकते, इसको जेल बना दिया आपने। हमारे कश्मीरी पंडितों की बात देखिए, आपने कहा था 370 के बाद सब ठीक हो जाएगा, उनका रास्ता खुलवाइए शारदा पीठ के लिए कश्मीरी पंडितों का। आपने करतारपुर तो खुल गया, अब शारदा पीठ खुलाइए कश्मीरी पंडितों के, करेंगे क्या आप ऐसा? आपने इसको जेल बना रखा, आपने हमारे हजारों नौजवान मुल्क के जेलों में बंद कर दिए, क्यों? शक की बुनियाद पे। मेरी आपसे गुजारिश है, इंसान का दिल रखिए, महसूस कीजिए कि उन घरों की क्या हालत होगी जिनके लख्त जिगर आपने तिहार जेल में, आगरा जेल में और पता नहीं कहां कहां रखे हैं। उनके पास किराया भी नहीं है वहां जाने के लिए। मेरी गुजारिश है इन बच्चों को, इन लड़कों को, इन नौजवानों को जनरल एमनेस्टी देके इनको रिहा कर लीजिए, अपने घरों में जाए। और जम्मू कश्मीर जिसको जेल बनाया गया है, उस जम्मू कश्मीर को बाहर की दुनिया के साथ जोड़िए, जैसे पाकिस्तान और चाइना दूसरे कश्मीर को जोड़ रहे हैं, ताकि मेरा बुजुर्ग सुबह बस में बैठ के यहाँ से होते हुए ईरान जाते हुए हज के लिए चला जाए। सुना सर, अगर आप वाकई विश्व गुरु बनना चाहते हैं, तो मैंने कहा उसका रास्ता या तो जम्मू कश्मीर से होते हुए साक के बीच में से गुजरेगा, बाकी कार्ड G20 G7 से कोई रास्ता नहीं मिलने वाला, ना आप उससे कोई गुरु शुरू बन सकते हैं। मगर पहले अपने घर को संभालिए। अगर आप जम्मू कश्मीर को अपना घर समझते हैं तो इसको संभालिए। ये जो आपने गलती की 2019 में, लोहार मत बनिए, लोहार का हथौड़ा मत बनिए कि सिर्फ मारना जानता है। अगर बनना है तो सुनार बनिए जो जेवर तराशता है। जिस तरह जवाहरलाल नेहरू ने पहले इस मुल्क को आजाद किया, उसके बाद इस मुल्क की बुनियादें रखी, उसके बाद कश्मीर, जम्मू कश्मीर को जोड़ा। हम एक मुस्लिम जाति स्टेट थे, हमने पाकिस्तान को दरकिनार किया, एक हिंदुस्तान की जमहूरियत से हाथ मिलाया। आप कहते हो झंडा लगाओ, अरे हमने आपकी कॉन्स्टिट्यूशन को भी कबूल किया, झंडे को भी बहुत पहले कबूल किया, मगर फर्क इतना कि उस कॉन्स्टिट्यूशन के साथ हमारे भी एक आईन था छोटा सा, उस बड़े झंडे के साथ हमारा एक छोटा सा झंडा था। आपने दोनों चीजें हमारी खत्म कर दी। जब आप हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा झंडा वापस करेंगे, जब आप जम्मू कश्मीर के रास्ते खोलेंगे, जब आप जम्मू कश्मीर के हवाले से यहाँ भी और बाहर भी बातचीत करेंगे, जम्मू कश्मीर का समस्या का समाधान होगा और आपको विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोकेगा। तब तक ये ख्वाब है, ये ख्वाब पूरा नहीं होगा। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।